गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास सेवन्थ का आपका चैप्टर थर्ड, ठीक है। इसका ये टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है। तो ये हम देखेंगे सिल्क मोथ क्या होता है, रेशम को बनाने वाला कीड़ा होता है, तो उसकी हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, वो कैसे स्टार्टिंग होती है, किस तरह उसके एग फॉर्म होते हैं, फिर कौन सी स्टेज आती है लाइफ में, और लास्ट में किस तरह से वो रेशम बुनता है, ठीक है, और किस तरह से फाइनली हम उस रेशम को उस सिल्क को उससे अलग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर, कि सिल्क वॉर्म को पालना, ठीक है, उसको रियर करना, इसको हम कह देते हैं सेरीकल्चर। और सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट, तो जो सिल्क वॉर्म है उसको खाने के लिए क्या देना पड़ता है, मलबरी प्लांट, जो आपके शहतूत के पत्ते होते हैं ना, वो यूज करता है। अ फीमेल मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन द मलबरी लीव्स, जो फीमेल मोथ होती है, जो उसका कीड़ा होता है, वो फीमेल जो पार्ट होता है, वो हंड्रेड्स ऑफ एग देती है मलबरी लीव्स पे। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो एग होते हैं ये हैच हो जाते हैं, मींस जिन्हें हम कह सकते हैं कि जैसे अंडों को वो अपना सेकते हैं या वो अंडे मैच्योर हो जाते हैं, तो उनमें से लार्वा निकल जाता है, और लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर या कहते हैं सिल्क वॉर्म्स। क्या कहते हैं, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। अब धीरे धीरे ये जो कैटरपिलर होते हैं ये अपने साइज में बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ओनली ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री, और मलबरी के ट्री पर ही ये इस काम को करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखो लास्ट टाइम आपने देखा कि क्या फॉर्म हुआ था, सबसे पहले एग आए, एग से क्या बना, कैटरपिलर बना, और कैटरपिलर से अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो होती है प्यूपा, PUPA, ठीक है। व्हेन द कैटरपिलर ग्रो इनटू लार्ज इनफ टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, इट स्टार्ट वीविंग ए नेट अराउंड इट टू होल्ड इटसेल्फ। जैसे जैसे कैटरपिलर अपना विकास करता है और नेक्स्ट स्टेज में वो इंटर करता रहता है, तो उसी के साथ साथ वो क्या करता है, वीविंग ए नेट, एक अपने चारों ओर एक नेट की तरह कुछ बुनाई शुरू कर देता है, टू होल्ड इटसेल्फ, और जो उसको होल्ड करके रखती है। देन इट मूव्स इट्स हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो वो उसमें मूव करता रहता है, ठीक है, मेकिंग ए फिगर एट, और इस तरह का फिगर बनाता है जैसे आठ हम बनाते हैं मैथ के अंदर, तो इस तरह से वो मूव करता रहता है उस नेट के अंदर। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट कैटरपिलर सीक्रेट ए फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, इसी दौरान जो ये मूवमेंट होती है तो कैटरपिलर क्या करता है, एक प्रोटीन पार्ट, ठीक है, जिसे हम फाइबर कहते हैं, वो रिलीज करता है, वो सीक्रेट करता है, और इसी प्रोटीन को सॉलिडिफाइज, ये सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिड हो जाती है और हार्ड हो जाती है, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब ये हवा के टच में आती है फॉर सम टाइम, दिस इज ए सिल्क फाइबर, इसको हम कह देते हैं सिल्क फाइबर। ए सिंगल कैटरपिलर प्रोड्यूस, अगर एक ही कैटरपिलर की बात करें तो वो करीब 300 मीटर तक सिल्क फाइबर प्रोड्यूस कर सकता है, एक ही कैटरपिलर, ठीक है। तो कैटरपिलर कंटिन्यू टू स्पिन सिल्क फाइबर टिल दे कम्प्लीटली गेट कवर्ड बाय दीज फाइबर, जब तक कैटरपिलर इस फाइबर को फॉर्म करता रहता है, जब तक कि वो फाइबर उसे पूरी तरह कवर ना कर ले। दिस सिल्क कवरिंग इन विच द सिल्क वॉर्म कवर्स इट सेल्फ इज कॉल्ड कोकून, तो जब सिल्क उस सिल्क वॉर्म को कवर कर लेता है ना पूरी तरह से, तो उसको हम अब एक नया नाम दे देते हैं, उसे हम कहते हैं कोकून। क्या कह देते हैं, कोकून। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म टेक्स प्लेस इनसाइड द कोकून, अब जो भी डेवलपमेंट होनी होती है सिल्क वॉर्म की वो इस कोकून के अंदर ही होती है। आफ्टर सम टाइम प्यूपा इंटर्स द एडल्ट स्टेज, अब नेक्स्ट एडल्ट स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाता है, इमर्ज आउट ऑफ द कोकून एज ए मोथ, और वो कोकून से फाइनली क्या बन जाता है, मोथ बन जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि मोथ हमने फीमेल मोथ ली थी, तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो स्टेजेज आए हैं, सबसे पहले मोथ, स्टार्टिंग में आपने फीमेल मोथ लिया, उसके बाद वहाँ से एग फॉर्म हुए, एग से क्या हुआ, देन कैटरपिलर स्टेज आई, कैटरपिलर से वो अपने आप को कन्वर्ट करता है किसमें, प्यूपा स्टेज में, ठीक है जी। प्यूपा के बाद जब पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेता है तो कोकून स्टेज में आ जाता है, कोकून के बाद वो फर्दर डेवलपमेंट करता है, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट होती है वो उसके अंदर ही होती है, और फाइनली वो सिल्क वॉर्म बन जाता है, ठीक है। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।